हमारे घर में सभी बच्चों के और हमारे सभी के कपड़ों में खून के धब्बे लगते थे। कहाँ से आया था? उनके मुख से ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है उसमें मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की बहू है। इस इंटरव्यू में लेकर के आए हैं, जिस तरीके से आप जो शख्स हमारे सामने देख रहे हैं, इनके परिवार में खून के धब्बे आते हैं, इस टाइप की समस्याएं आती हैं, कपड़ों में खून के धब्बे लगते थे। और कल हमने एक दरबार में भी देखा था, एक लड़की के हाथ में खून बह रहा था। तो इस तरीके की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप सर? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राम रहीस पाल है, मैं करावल नगर से आया हूँ, दिल्ली करावल नगर से। पाल, वही पाल बघेल? राम रहीस पाल जी। पाल बघेल वही? जी जी जी। तो जिस लड़की के हाथ में खून बह रहा था, वो लड़की भी मेरे साथ में ही आई हुई है, करावल नगर से, बिहार में कॉलोनी से। मतलब तो जो खून बह रहा था, वो लड़की ने कोई ब्लड वगैरह दे लिया था क्या? भूत के द्वारा था क्या? है नहीं सर, उसके ऊपर कोई जिंद का साया है। और सर, उसके हाथों में अपने आप ही इस तरह से होने लगता है। कई बार स्कूल में लिखते लिखते उसके हाथों में ऐसा हो जाता है, खून बहने लगता है। या कोई सामान कहीं खरीदने जाती है, उसके साथ में वहाँ भी ऐसी घटना हो जाती है। कल दरबार में ही आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसके हाथों में खून बहने लगा था। तो आज भी गुरुजी ने उनको वहाँ पे बुलाया, अब शाम को दरबार लगेगा, तो दरबार में बुलाया गया है। आपके घर में क्या समस्या? सर, हमारे घर में सभी बच्चों के और हमारे सभी के कपड़ों में खून के धब्बे लगते थे। कहाँ से आया था खून? सर जी, कुछ पता नहीं है। प्रेस किए हुए कपड़े अलमारी में रखे हैं, उनमें भी खून के धब्बे। मैं पहन के जा रहा हूँ, रास्ते चलते चलते भी खून के धब्बे दिखाई देते थे, ताजे बिल्कुल। तो सर जी, इस बात से मैं कई साल से परेशान था। कितने साल हो गए लगभग आपको? सन 2017 की बात है जब से मैं परेशान हूँ। तो आज गुरु जी ने मुझे बताया है। इसके पहले आपने कहीं और दिखाया था क्या? जी, कई जगह मैंने दिखा लिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ भी एक मज़ार है, मैं मज़ार पे भी गया, बालाजी दरबार में गया, सत्संग में भी जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। तो सर जी, यहाँ आने से मुझे काफ़ी कुछ सुधार है। तो यहाँ कितने दिन हो गए अभी आपको? सर जी, मैं यहाँ 31 तारीख को आया हूँ। 31 को दिल्ली से चले थे। अच्छा अच्छा कितने की रसीद कटवाई आपने? मैंने रसीद तो पिछले महीने एक मार्च को कटवाई थी, 1100 रुपये की। 1100 रुपये जी। उसके बाद नंबर कब आया, कितने दिन में? तो नंबर हम यहाँ आए भी थे, मतलब तो हम चले गए थे, फिर बाद में नंबर आया था, होली का टाइम था। कितने दिन बाद नंबर आया? 12-13 दिन के बाद। 1100 रुपये की रसीद कटवाई थी जी। अच्छा। उसके बाद में गुरु जी ने ऐसा बोल रखा, जैसे अगर टाइम नहीं है तो घर जा सकते हो, दोबारा अगले महीने आपका नंबर आ जाएगा। तो आज भी मैं गुरु जी से मिला हूँ, तो मेरे ऊपर और भी जिंद और सैयद पता नहीं कौन कौन सी, मतलब चौकी लगी हुई है हमारे घर में। तो ऐसी बाधाओं से जूझ रहा हूँ, लेकिन जब से यहाँ आ रहा हूँ मैं, जब से मुझे काफ़ी कुछ सुधार है। तो धन की पत्नी के चेस्ट में मतलब ऑटोमेटिक सूजन आ जाना, और जब से मैं यहाँ आता हूँ, जब से उन्हें काफ़ी कुछ फ़ायदा है। आपने घर पर फ़ोन लगाया अभी? नहीं, अभी तो नहीं लगाया है मैंने। खून के धब्बे घर में, ऐसा कुछ फ़ोन लगाया कि आए कि नहीं आए यहाँ आने के बाद कुछ? नहीं, ये समस्या मतलब पहले थी, अब तो नहीं है। हाँ। लेकिन पहले ऐसा होता था। तो पंडुखर धाम में आने से वो धब्बे बंद हो गए, या फिर आपने, आप कैसा कह रहे हैं? नहीं, वो तो गुरु जी ने बताया कि मतलब ऐसी बाधा है आपके घर में। हाँ। किसी ने चौकी लगवाई है, नाम भी पूछते रहे, तो उसमें नाम तो ओपन करना उनके मुख से ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है उसमें मेरी माँ और मेरे छोटे भाई की बहू है। एक माँ ऐसा कर सकती है? बड़ा सवाल यहाँ पर आपने कर दिया है। एक माँ और आपका भाई ऐसा कर रहा है? सोच कर देखिए, माँ तो सारा संसार कहता, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए पुत्र तो सबसे बड़ा, अगर माँ किसी को प्यार करती है तो सबसे पहले अपने बच्चों को करती है, पुत्र को करती है। और आपके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, ये नवरात्रों का व्रत चल रहा है। आप ऐसा तो नहीं, उनके सौतेले तो नहीं है आप? तो माँ तो मुझे ऐसा कहती है कि अगर असील का हुई हो तो मुझे, मेरी मिट्टी को भी हाथ मत लगाई हो। अब मैं उस माँ को क्या जवाब दे सकता हूँ? मेरे पास कोई जवाब नहीं बचता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? अभी तो माँ जान सकती है, उसके ऊपर भी कोई तंत्र विद्या की गई है, तो इसलिए वो हमारे विपरीत दिशा में बोलती है। भाई भी सगा होता, सगा भाई है ना आपका? सगा भाई भी है,
सगी बहन भी हैं 5, लेकिन हमारे सारे ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं, फिर भी मैं अकेला जीवन जी रहा हूँ। आपने कभी अकेले में ऐसा महसूस किया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी बहुत कुछ महसूस करता हूँ कि ज़रूर कोई ऐसी दैविक शक्ति है हमारे घर में, जो जितने भी मेरे सगे संबंधी प्रेमी यार दोस्त जो हैं सभी विपरीत दिशा में बोलते हैं। वो दैविक शक्ति नहीं, वो तो आंटी वो होगी ना। और इस समस्या से मैं कई साल से जूझ रहा हूँ। क्या बिजनेस क्या करते हैं, क्या बताएं? मेरा कपड़े का व्यवसाय है। जमीन है आपके पास? जमीन गांव में है, गांव में जमीन भी है, मैंने यहाँ से कमा के थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत जमीन खरीदी भी है, और बाकी घर मकान तो हमने दिल्ली में ही बना रखा है। लेकिन आज 2012 से और अब तक करोड़ों रुपए के नीचे चला गया हूँ, तो मैंने बहुत जगह भटकते भटकते जब मुझे ये सच्चा दरबार मिला है, अब मैं यहाँ के अलावा कहीं भी नहीं जाऊँगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चमत्कार होगा आपकी? जी निश्चित होगा, ये मन में पूर्ण विश्वास है, पंडोकर धाम की ये मर्यादा है। आपको अपनी माँ का प्यार चाहिए या नहीं चाहिए? माँ का प्यार चाहिए, लेकिन जिस दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा उस दिन मेरी माँ मेरे पास आ जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप नवदुर्गा चल रही हैं और आप सही स्थान पर आए हैं, आपको माँ का प्यार मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। और मैं आपके जनादला न्यूज चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से सभी भाइयों से अपील करते हैं कि अपनी माँ का दिल जीतिए। और माँ यदि किसी प्रकार से नकारात्मक में जा रही है, किसी के बहकावे में आ रही है, तो उसको सही दिशा में लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपको आपके माँ का प्यार मिलेगा। और आज जिस शख्सियत के साथ इंटरव्यू हुआ है, निश्चित रूप से पंडोकर धाम में आने से इनकी सारे जो काम हैं वो पूरे हों ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपके जनादला न्यूज के इस इंटरव्यू से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। आपकी जनादला न्यूज चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा है। नमस्कार। विश्राम जी, विश्राम, आपका नाम विश्राम है, जल्दी आइए बेटा। कहाँ से आए? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए, आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? मेरे भैया आते हैं। कौन भैया आते हैं? आए मेरे से बड़े। हाँ भैया, खड़े हो जाएंगे। कौन भैया? अभी यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, वो 1 तारीख को आए थे, मैं उनके साथ आया था। 1 तारीख को आए थे, उनके साथ आए थे, चले गए फिर? हाँ कोई बात नहीं, उनके पुराने हैं तो वो चले ही जाएंगे। पहली बार में टेंशन होता है, पर्ची नहीं बनती जब तक रुकना पड़ता, और जिनकी पर्ची बन जाती तो अगली बार वो आते, पाठ जाप किया, अर्जी कटवाई, पाठ जाप किया, चले गए। लेकिन कुछ लोग अपनी पर्ची गलत भी कटवाते हैं, उनकी अमावस्या सुताई कैंसिल हो जाती है, सुताई अमावस्या कैंसिल हो जाती है। मैं टोकूंगा नहीं किसकी हो जाती है, अब पता लगा लेना कैसे हो जाती है, आप सुधर जाना। चलिए, तो क्या दिक्कत है बोलिए। गुरु जी, मेरी 25 अप्रैल को शादी हुई थी। 25 अप्रैल को हुई, ठीक है। तो जो लड़की थी जिससे मेरी शादी हुई है, उसके हमारी आपसे बात हो चुकी है, मैं पूरा पहले बिफोर सुन चुका हूँ ये बात। आप तो सबको सुना दीजिए क्या हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया था आपको, जिन्होंने देखा होगा कमरे में जब हमसे मिलने आए थे, तो मैंने इनसे कहा था दरबार में मिल लेना मुझसे। कितने लोगों ने देखा था उनको हाथ उठाना? आपने देखा था? खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने देखा था? इनने क्या बोला था कमरे में आने के बाद? बोला था धन्यवाद। तो मैं उठ रहा है बात ना से लगातार, कहाँ बैठ रहा, समझ नहीं आओ तो नंबर नहीं आओ तो बैठो रहा। ये आदमी है दूरबीन है। अच्छा चित्रगुप्त है, गुप्त रहो बेटा। हाँ बेटा, तो क्या है आपकी पत्नी का मैटर? तो गुरुजी, उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। किसी लड़के से, किसी आदमी से, किसी इंसान से, किससे? सर गुरुजी, वो उससे 10 साल बड़ा है, तो वो आदमी हो गया। हाँ वो लगता है ऐसे ही ना। तो गुरुजी, मैंने उससे शादी से एक दिन पहले भी, मुझे उस पे शक हुआ था, तो मैंने उसे फोन करके, शादी के एक दिन पहले शक हुआ था, मैंने उसे फोन करके। कैसे? तुम तो अपने घर पे थे, वो अपने मायके में थी, शादी हुई नहीं थी, तुम्हें कैसे शक हुआ एक दिन पहले? उसने मेरे से कभी भी कॉल करके बात नहीं की, वो चैटिंग पे बात करती थी, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने एक नंबर पे शक हुआ मेरे को, जो नया नंबर था उसके पास, तो मैंने उस पर कॉल किया, तो उस पर वो गलत निकला। मतलब वो उसके भाई की भी शादी थी हमारी शादी के साथ में, तो उसके भाई के जो घरवाली है उसके कपड़े सिलवाए थे, उसके वो नंबर निकले,
तो फिर मेरे को मतलब शर्म आई खुद पे कि मैंने इस पे शक किया। तो फिर शक किया पत्नी पे? हाँ। तुम्हें शर्म कैसे आई? कि मैंने उस पे शक क्यों किया, वो ऐसी नहीं है। मतलब आपने शक किया तो आपको शर्म आई कि हमने गलत किया ऐसा? हाँ हाँ। तो फिर मैंने उस पे कॉल करके बात किया तो उन्होंने बोला फलाना फलाना मैं ये हूँ। क्या बताया उन्होंने अपना नाम? उन्होंने नाम नहीं जानते, कोई बात ना। हाँ। तो फिर मैंने उस पत्नी से भी माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने से पहले एक बार मैंने उसको अपने शादी के पहले मांगी थी, शादी होने के बाद मांगी? शादी से पहले। तो फ़ोन पे मांगी थी घर जाके? नहीं, फ़ोन पे। तो क्या कहा था आपने? मैंने बोला था कि मैंने तेरे ऊपर शक कर लिया, तो ऐसी नहीं है, सॉरी, तो मेरा भगवान समान है, ऐसे भी बोला था सब कुछ। मतलब तुमने कहा कि हम तुझे भगवान समझ रहे हैं? हाँ। तो मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे ऊपर शक कर लिया। लेकिन तो अब भी यही सोच लो कि शक कर रहे हैं, क्यों करने दो गलती, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम तो भगवान है, करते रहते। तो गुरुजी उसके बाद हाँ। मैंने उसको बोला कि अगर तू गलत है तो मुझे अभी बता देना, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो भी उसने कुछ नहीं बताया। जब तेने गलती मनाई लई कि भगवान है, तो फिरते काहे को जबरदस्ती को बपर से उतरा वहाँ जाके? हैं, तुम्हारी चक्कर में तो भग गई वो। कहे माइक कब रहा तुम? तो तेरी की देखो गया माइक, ऐसे कहो जैसे भूत आ रहा हो। कोल्ड हिम्मत तक कुछ नहीं होगा। गुरुजी मेरे को शादी के बाद ही पता चला, उसने खुद नहीं बताया, मैंने उससे पूछने पर। तो उसने मेरे को एक नहीं दो जनों का बताया। एक नहीं दो लोगों को बताया? हाँ, एक उसके ननिहाल में बताया जिसका नाम विनोद था, और एक जो उसके घर के सामने था लड़का, जो मैंने बताया कि उसे 10 साल बड़ा था, गुलाब। उसके हाँ उसके बारे में बताया। गुलाब नाम है? हाँ। तो गुरु जी, तो भी मैंने ये सोचा कि हमारी ज़िंदगी आगे सही चलेगी। मैंने उसे रिक्वेस्ट की और उसने भी बोला कि हाँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब मैं जो बताऊँगा उससे सहमत रहोगे? हाँ। क्योंकि ये आस्था का विषय है, मानना तुम्हारे हाथ में, नहीं मानो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, लेकिन झूठ भी मत स्वीकार करना, झूठ भी मत स्वीकार करना, नहीं तो परिवार में आग लग जाएगी और समाज बर्बाद हो जाएगा और आपको देख के लोग लाखों बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये आस्था का विषय है, मेरा काम है, आपने प्रश्न किया, मेरा काम है उत्तर देना, और मैं उत्तर नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे महाराज ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। तो हमारा किसी से आशा ये नहीं है, मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, बस मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। और ये आस्था का विषय है भैया, आपको मानना ना मानना, यदि हमारी बात समझ में ना आए, गलत लगे, तो हमारे पास छोड़ देना, हम तो बता रहे हैं। यदि हमारी बताई हुई चीज मान लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं मान लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम, ये तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं है। सुनते हैं, चलते हैं दरबार की ओर, देखें। गुलाब विनोद जी, मामा के यहां मकान के सामने, ज्येष्ठ ससुराल के सामने ही तुम्हारा पत्नी का दोस्त रहता है। हाँ जी। 18 दिसंबर को आपकी पत्नी मायके गई और 18 जून को आप लेके आए। हाँ जी। 5 महीना कुछ रही। हाँ जी। यही पूरा कांड है। हाँ जी। सो वास्तविक आपकी संख्या उचित और सही दिशा में है, ऐसे व्यक्ति को तलाक दे देना चाहिए, धन्यवाद, दूर कर देना चाहिए। और फिर आपकी इच्छा है कि तलाक देना चाहते हो या फिर सुबह शाम 11 बत्ती की आरती करना चाहते हो संघ गड़ा बजा के? तलाक देना चाहते हो, क्योंकि भगवान तो आपने बना ही दिया है ना, तो भगवान को क्या कहोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना क्यों कहता हूँ कि आप दरबार में आए हो, ये वीडियो उस तक भेज देना, जरूर थोड़ी भी शर्म होगी तो उसके गाल पे तमाचा लगेगा। जरूर गुरु जी, ये वीडियो में उसको दिखाना चाहता था, इसलिए मैं दरबार में आया हूँ। क्या बात, पर अब हम उनका जवाब देना चाहेंगे जो इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कि आखिरकार पंडोखर धाम कहाँ है और कैसे पहुँचे पंडोखर धाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडोखर धाम आने के लिए गूगल पर सर्च करें पंडोखर धाम, और आप या तो दतिया आएँ
दतिया में माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करें और दतिया से आप सीधे बाई बस बाया कार आ सकते हैं और दतिया से पंडोखर की दूरी लगभग मात्र 45 किलोमीटर की दूरी है। और यदि आप झांसी आना चाहें, बुंदेलखंड झांसी गूगल पर सर्च करें तो झांसी से पंडोखर की दूरी 70 किलोमीटर है और झांसी रेलवे स्टेशन पर टैक्सी मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं। लगभग कितने रुपए? 200-250 रुपए किराया लगता है। आप आसानी से झांसी से भी आ सकते हैं और दतिया से 45 किलोमीटर दूरी है, पंडोखर धाम आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया जिला है, भांडेर तहसील है और पंडोखर ग्राम पंचायत है जहाँ पर पंडोखर धाम लगता है। हर अमावस्या के दिन से लगाकर लगभग एक माह ये दरबार चलता, एक माह का यहाँ पर मेला चलता है। आप कभी भी यहाँ पर पर्ची कटवा सकते हैं। और वैसे गुरुजी ने कह दिया कि साल में 365 दिन वो देखते हैं यहाँ पर। रहने खाने की व्यवस्था है, रहने के जो भी कमरे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। छोटा मोटा चार्ज यहाँ पर लगता है, भंडारा फ्री है, सुबह शाम का भंडारा फ्री है। यहाँ पर रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और जहाँ तक ये जानकारी आपके लिए काफ़ी है, आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं और पंडोखर धाम के दर्शन कर सकते हैं। और पर्ची 100 रुपये से लेके 21,000 तक जितने की रसीद आप कटवा सकते हो, 51,000 तक आपकी श्रद्धा अनुसार है, 51,000 तक की रसीद जीरो से लेके। मैंने कई ऐसे भी देखे हैं व्यक्ति जिनके पास पैसा ही नहीं है तो गुरुजी ने उनका किराया भी दिया है। लेकिन ये किसके साथ ऐसी घटना होती है, ये तो पंडोखर का चमत्कार बताता है या गुरुजी की इच्छा होती है। गुरुजी समझते हैं कि वास्तविक रूप में जब वो त्रिकालदर्शी हैं तो वो जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उस हिसाब से उसकी भी मदद हो जाती है। तो 1 रुपये से लेके 51,000 तक की रसीद जितना आपकी श्रद्धा कटवाइए। नंबर यहाँ पर महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसका नंबर आता है, कोई पहले डिसाइड नहीं कर सकता है। धन्यवाद।